मैं स्टूडेंट्स आपका अपना में स्वागत है प्रैक्टिस शीट पे। आज हम दोस्तों चलेंगे आज हम लोग 1.4 का कुछ चैप्टर आ गया था। लास्ट टॉपिक है इसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? ठीक है दोस्तों, 12th क्लास की मैथमेटिक्स से देखिए, क्लास जो है जो हम लोग पढ़ाएंगे आज हम लोग क्लास 12th राइट बाइनरी ऑपरेशन राइट बाइनरी ऑपरेशन राइट। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है देखिए, इसके अंदर दोस्तों चार फंक्शन होते हैं। देखिए ए प्लस बी राइट, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी राइट, ये प्रश्न वैल्यू होती है दोस्तों। अब इसके बाद जो भी हम पार्ट्स को जो हम वैल्यूज निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे बाइनरी ऑपरेशन में निकालते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का तो सिंपल होता है स्टार होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम प्लस के रूप में भी कर सकते हैं, माइनस के रूप में भी, मल्टीप्लाई के रूप में भी और उसके रूप में भी। इसको दोस्तों हम लिखने का तो जो तरीका है वो है, देखिए आराम से देखिए, यहाँ पर है स्टार ए ए कंडीशन प्रोडक्ट ए डिनोटेड ए राइट। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टार राइट, स्टार हो गया ए एंड बी राइट राइट बाई ए स्टार बी, तो क्लियर हो गया। अगर मैंने लिखा सपोर्टेड, अगर मैंने मान लिया प्लस किया, ठीक है, अगर हमने प्लस किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर हमने प्लस किया जैसे आर कंडीशन प्रोडक्ट आर राइट, तो आर इज गिवन, यहाँ कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए ए और बी डिनोटेड ए प्लस बी। अगर हम यहाँ माइनस राइट यहाँ करेंगे आर कंडीशन प्रोडक्ट आर आर इज गिवन राइट, यह हो जाएगा ए और बी, तो यह हो जाएगा ए माइनस बी राइट। तो उसी प्रकार से माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्ट्स का रूप में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताता हूँ, इसमें आप बहुत अच्छी तरह समझिएगा और प्रैक्टिस को जरूर करिएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस के बिना इसमें कुछ नहीं होने वाला है, और मैं आपको ये बता दूँ कि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं चाहूँ जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, जैसे एक्सरसाइज में लेता हूँ, एक्सरसाइज में जैसे जैसे लिखा है, देखिए लिखा दोस्तों लिखा है एक्सरसाइज जो है हम करा रहे हैं आपको 1.4 राइट फर्स्ट क्वेश्चन राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसमें यस और नो की जवाब पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है डिटरमाइन वेट, डिटरमाइन वेदर, देखिए determine whether or not each of the definition of a star राइट। देखो दोस्तों पहला जो बोल रहा है दोस्तों, पहला देखो ऑन जेड सच डेट डिफाइन स्टार बाई ऑपरेशन बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए पहली बार यहाँ पे जेड इंटीजर बोल दिया क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में होता है राइट, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आगे राइट सेम। ठीक है दोस्तों, ऑन लिखा ऑन जेड प्लस सच डेट डिफाइन
स्टार बाय ए डिवाइड बाइनरी बी इज इक्वल टू ए मल्टीपल, तो मल्टीपल होगा यस। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फोर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फोर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान देखिएगा आगे आगे क्या बोल रहा है। कंसाइडर ऑफ बाइनरी, कंसाइडर ऑफ बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द स्टेट राइट, ऑन द स्टेट 1 2 3 4 5 राइट, गिवन बाय द फ्लोइंग, बाय द फ्लोइंग। ठीक है, मल्टीपल राइट, मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट में देखिए, कंप्यूट टू बाइनरी थ्योरम्स, बाइनरी इक्वेशंस, बाइनरी फोर एंड राइट टू बाइनरी, थ्री बाइनरी फोर राइट। देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर निकलेगा, अब यहाँ देखो यहाँ पे कोई डिजिट तो है नहीं, अब यहाँ सिंगल में निकल रहा है, देखो सारे सिंगल में है ना, और यहाँ पे गिवन भाई, तो अब यहाँ देखो टू भी हमारा सिंगल है, ए भी हमारा सिंगल, ए भी हमारा सिंगल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सिंगल ही होगा मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि सिंगल बन रही है, तो इसलिए इसका आगे बैठे हम कंप्यूट हमारा होगा राइट। शायद क्योंकि तीन को दो से माइनस करो एक ही आएगा, मान लो तीन माइनस दो इसका टू एक आएगा, फोर माइनस थ्री इसका टू हमारा एक आएगा, बस मेरा एक ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो हमारा एक हो क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं ईज ई बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भाई कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट यहाँ भी, ब्रैकेट यहाँ भी, यस है ना। ठीक है दोस्तों, इस सब क्वेश्चन दोस्तों आपके बुक में है, तो मैं बुक में इसलिए करा रहा हूँ कि आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फिर हम चलेंगे कल से। अगर वीडियो लाइव नहीं हो पाया तो किसी कारण बस, तो आज हम चलते हैं आगे थोड़ा, तो होता है कभी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाती है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। लेट बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी बी इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 5*7 राइट कॉमा 20*16 राइट, इसको करेंगे एलसीएम, क्योंकि 80 मिल रहा है, ए का मान 7 और बी का मान 7, ए का मान 6 और ए का मान 5, बी का मान 7, तो एलसीएम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 1 कर देते हैं 7, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 7 × 1 यानी 5 × 7 कितना हो गया 35, क्लियर है। इसको करेंगे एलसीएम तो 20 और 16, तो यहाँ आएगा 22, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ करेंगे 2 से यहाँ 5, यहाँ 4, तो 2 × 2 × 5 × 4 कितना होगा 5 × 20 × 40 × 80, तो समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, फिर हम आपको आगे के बताएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा ट्रू फॉल्स की ओर, ठीक है, ट्रू फॉल्स जैसे कि 12 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है राइट।
पहला क्वेश्चन देखिए, फोर एंड एरेबिटी एम्ब्रेरी बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एसेट ए बाइनरी ऑपरेशन ए बिलोंग इन राइट। देखिए जब एरिवेटरी ऑपरेशन है यहाँ ऑन द सेट बोल दिया तो ए जो है सेट में तो ये मतलब बिलोंग तो करेगा लेकिन बिलोंग तो करेगा। जैसे मानो कि अगर आपने ले लिया वन मल्टीप्लाई वन तो वन हो गया, टू इंटू फोर हो गया तो कितना कैसे हुआ है, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन। यहाँ देखो यहाँ तीन का है यहाँ पाँच का है तो बढ़ रहा है ना, बराबर तो नहीं है इसलिए आपका लिया फॉल्स। ठीक है दोस्तों ये आपका फॉल्स क्योंकि इक्वल नहीं है। दूसरा देखिए लिखा है इफ अ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन राइट, बाइनरी ऑपरेशन दोस्तों ठीक है बेटा ध्यान देखिए, ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार बी स्टार सी बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए राइट। खुद ही देखो यार कॉम्पिटेटिव में तो ब्रैकेट लगना ही है इसलिए हमारा आ गया एस। ठीक है दोस्तों आप देखिए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट करो, बिल में बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों अब हम लोग आते हैं 13 क्वेश्चन, समझ सब आ रहा होगा। देखिए कंसाइडर यहाँ है कंसाइडर बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान दीजिए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन राइट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड एज ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू राइट। पहला ऑप्शन है ईच बाइनरी ऑपरेशन बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बी ईच स्टार बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव राइट। सी ईच बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव डी ईच अ स्टार नाइदर कम्यूटेटिव नोर एसोसिएटिव। देखो दोस्तों
अगर यहाँ बोल रहा है कि सेटिव एंड कम्पलेटिव इनमें से कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल है, और ये तो गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं कम्यूटेटिव बट नॉट, यानी सेटिव को मना कर रहा है क्योंकि इसके अंदर में सिंगल पर्सन हो सकता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रूप में ले सकते हो एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। भाई सेटिव कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट होता है ना, ऐसे ब्रैकेट नहीं होता, तो यस ये गलत हो जाएगा। और ये तो दोनों मना कर रहा है कम्यूटेटिव, भाई यहाँ तो है ना, ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव में ब्रैकेट नहीं होता। क्लियर दोस्तों, फिर हम बेटा कल मिलते हैं इसी टाइम, जब तक के लिए नमस्कार।